अंदाजे नफी में भी अजब लज्जत थी, क्या बात। हम बर्बाद हुए यूं के मुस्कुराते हुए। क्या बात। तो ये आज के हमारे परिजात थे जी। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एचएस स्टोरीज और मैं हूं यारों का यार हामिद सजाद। व्यूअर्स, आज मैं क्या करने लगा हूं और कहां पर हूं ये सब मैं बताऊंगा आपको व्लॉग के अंदर, तो व्लॉग पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्ती एक अनमोल रिश्ता है और बेलोस रिश्ता है। दोस्त काम आए ना आए, दोस्त दोस्त रहता है जो आपका हकीकी दोस्त है। मेरा ये एक नज़रिया है। आज मेरे कुछ दोस्त मेरे घर रफ्तारी पे आ रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी एक ऑनर की बात है और एक बड़ी खुशी की बात है। और आज हम लोग सारे मिलके इकट्ठे इफ्तारी करेंगे और आपको भी दिखाते हैं अपने दोस्त और साथ में आज की इफ्तारी। दोस्तों, मेरे दोस्त आना शुरू हो चुके हैं। मेरे इंतहाई करीबी दोस्त हमारे आज के चीफ गेस्ट सखावत बुढ़ा साहब आ चुके हैं। बुढ़ा साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है जनाब मोहतरम, आप आए हैं। भले ही आप खाली आता है लेकिन फिर भी हम आपके ऑर्डर करते हैं, ठीक है जी। फिर भी आप हमारे भाई हैं, कोई नहीं, दिल छोटा नहीं करना आपने, ठीक है। तो बुढ़ा साहब, और सुनाएं, आपका MBBS कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रहा है। चले जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक जी आपके MBBS के लिए। साथ हमारे दोस्त असद जट साहब भी आ गए हैं, तशरीफ़ फरमा हो गए, बड़ी मेहरबानी जट साहब आपकी। जट साहब से तो हमारी मुलाकात होती रहती है जब हम गखड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी आज की मुलाकात ज़रा एक साइड पर है क्योंकि आज सारे दोस्त इकट्ठे हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। सारे दोस्त मेरे आ चुके हैं, असीब साहब भी मेरे साथ हैं, ये जी अपना इनामुल्लाह डॉक्टर भी मेरे साथ आए, आज आप साहब भी हैं, शजील भी है मेरा दोस्त, प्यारा दोस्त है, खान साहब भी आए हैं, विरक्का तारफ भी आपको आए हैं, जट साहब भी आए हैं और सखावत भाई भी आए हैं, गुजर साहब भी आए, गुजर को तो सारे ही जानते हैं और बड़ी मेहरबानी है गुजर। चलो रोजा खोल गए, बोलो बैठो बैठो जी। आपको ज्यादा जल्दी है भाई, बैठे ना आप हमारे पास आ जाए। अच्छा जी, साथ भी खोलो रोजा यार, खोल गया, आपने रखा तो नहीं था, बहरहाल खोलो। खोलो खोलो मेहर जी, खोलो डॉक्टर साहब, खोलें, बिस्मिल्लाह करें, सीब खोलो भाई। वीडियो इधर देखे ना, ये इधर हमारी बनाए भाई, ये दोस्तों की जो खिदमत कर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे। विरक साहब, आप तो चौधरी आदमी है। मैं चला गया चौधरी। अच्छा अच्छा, चले कोई नहीं, अल्लाह हम जैसे मजदूरों पे भी करम करे अपने। क्यों जी गुजर साहब, हैं जी ये पैलियां कुनिया ने, क्यों जी मेहर जी, क्यों जी ऐसे ही बात है। अच्छा, मज़ा आ रहा है आपको इफ्तारी करने का? चलें, बड़ी मेहरबानी आपकी। डॉक्टर साहब आप बताएं जी, भाई पैरागोन वाले कैसे हैं आप? बस भाई मुंह पे तो नहीं झूठ बोल सकते। अच्छा भाई, विरक का घर है अपना, विरक ने इसलिए काम बोल रहा है ना जी, है जी मेज़बानी है, है। फिर मेज़बान क्यों बोले इतना, क्यों जी? कोई आप ही मेज़बान, चले ठीक है, बर्तन धो के जाने आप। जस्ट किडिंग, ये आपके ही हैं सारे, आप साथ भी लेके जा सकते हैं, कोई आप बताएं कोई बात। बात क्या करनी है यार, बड़ा बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई है। चलिए मेहरबानी, इस वजह से आया कि ये चेहरे मिल देखने को मिलने थे, इस वजह से। बिल्कुल एग्जैक्टली, बड़ी देर बाद टू क्रिएट सम मोमेंट्स, 6 साल बाद तकरीबन आए। अच्छा जी, बड़ी 6 साल बाद मिला मैं, बड़ी मेहरबानी है। लेकिन मेरे व्लॉग पे आपने देखा है इसको, इसके चर्चे बड़े चल रहे हैं मेरे व्लॉगिंग पे, क्यों जी? हाशिम गुजर साहब ऐसी बात है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, मोहसिन साहब भाई का नाम चल रहा है हर तरफ, गुजर गुजर हुई है, लोग हमें पूछते हैं। नाम तो पहले भी था। अच्छा जी, नाम तो पहले भी था, बदनाम हो गए हैं, है जी। सान गुजर साहब एक दफ़ा फिर मेरे साथ मौजूद है, आज इन्होंने मेरे साथ वादा किया कि अपनी 4 किले पहली मेरे नाम लगवाने लगे, ये नहीं एहसान साहब लगवाने लगे, देखें दोस्त हों तो एहसान गुजर जैसे हों, है जी सी भाई ऐसे ही है। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी जनाब, आप आए हमारे घर, मेहरबानी है, आपने बुलाया हमें।
शर्जील मैर साहब हमें टाइम दे दिया करें कभी आप यार, इंशाल्लाह जरूर। आप क्रिकेट में ही मसरूफ रहते हैं, नहीं बड़े अच्छे बॉलर हैं भाई, इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, इंशाल्लाह इनको काउंटी खिलाए। हम तो इनके भाई मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, इन्होंने हमें अपनी दावत पे मसरूर किया और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त पे भी हम इनके मशहूर रहेंगे। मेहरबानी है जनाब, आप साहब आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप साहब आप आए हैं, आप साहब के साथ बड़ा अच्छा तलक है हमारा, आप साहब भी आए हैं, बड़ी मेहरबानी है। ये भाई अपने विजय साहब, विजय साहब भी बड़ी मेहरबानी आपके आ रहे हैं भाई, सब कारोबारी आदमी है। मैं जनाब अहमद साहब आपका बहुत दिल से मशहूर हूँ, कारोबारी और तारी में बनाया है हर तरफ सर। डॉक्टर साहब भी मशहूर है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरे जिगरी दोस्त हैं, बचपन के प्यार वाले दोस्त हैं, बड़ा अच्छा लगा इनसे मुलाकात करके आए हैं मेरे घर। ये अमित साहब हर दफ़ा हम सबको इकट्ठा करने का एक वजह बनते हैं, बड़ी खूबसूरत सी वजह है भाई। हमने फिर ऐसे तो ना स्लोगन रखा अपना, यारों का यार है हम, बिल्कुल हम आपके मशहूर हैं। जब ज़्यादा दोस्त आए हो ना तो फिर आप अकेले रहते हैं और सारे दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। दो डॉक्टर इकट्ठे कभी बैठे हुए हैं, बीच में एक वकील बैठ जाए तो फिर ऐसे ही होता है। नारासतों की खबर मुझे, न मंजिलों की फिक्र मुझे, फकत मुझको है इतना पता, तूने कहा मैं चल पड़ा। क्या मुकर्रर ये मुकर्रर का क्या मतलब है जी असद भाई, रिपीट कर दोबारा। खूबसूरत शेर हो गया। देखा जो उनको अपनी तरफ आते हुए, बात जो कहनी थी रह गई बताते हुए। अच्छा, उनके अंदाजे नफ़ी में भी अजब लज्जत थी, क्या बात। हम बर्बाद हुए यूं के मुस्कुराते हुए। ओ, क्या बात। तो ये आज के हमारे परिजात थे जी। तो हमारे परिजात साहब में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, पैसा है लेकिन दिखाते नहीं है। ऐसे जी परिजात साहब, लेकिन एक चीज़ इनमें भी सिमिलर है, ये भी टूटे हुए हैं, परिजात भी टूटा हुआ था, तो कोई बात नहीं, इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा भाई कोई और शेर सुनाए। हिनामुल्ला साहब भी कभी कभी शायरी करते हैं, तो प्लीज़ भाई एक शेर आप भी सुना दें तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। शेर बड़ा मुख्तसर सा सुनाता हूँ मैं, इसमें आँखों आँखों में इशारे हो गए। अच्छा, आँखों आँखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। जी जी ठीक है, शेर बहुत अच्छा था मैं मानता हूँ, लेकिन ये अक्सर मैंने ट्रकों में पीछे तो कोई बात नहीं, अच्छी अच्छी बातें भी भाई करते हैं। जट साहब आप भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कोई व्यूअर्स के नाम एक पैगाम प्लीज। व्यूअर्स के लिए यही है कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले। अच्छा जी बड़ी मेहरबानी है, ना वीडियोस रूटीन के साथ देखा करें। चले मेहरबानी है, सीखने को मिलेगा आपसे इनको। ना जी ऐसी बात नहीं, हम बड़े एक्सपीरियंस बंदे हैं, आपकी फील्ड भी बहुत अच्छी है। बड़ी मेहरबानी है जनाब, और भी आप जरा फर्ज शनास बंदे हैं। अच्छा जी मेहरबानी जनाब, आप हमारी तारीफें करी जा रहे हैं, ये हम जरूर डालेंगे नहीं फिर भी कोई ऐसी बात कोई जो आप हमारे साथ अक्सर बैठे हुए दिल की करते हैं उनमें कोई हसबे कलाम बात बताना चाहें प्लीज। यही है कि आपस में यूनिटी रखो, जैसा कि आप सब दोस्तों को इकट्ठा करते हो, यूनिटी में बड़ी ताकत है, और आपस में मिलजुल के बैठना चाहिए, इंसान को जो सीखता भी है जी बिल्कुल, और जिंदगी में बहुत काम आता है। बड़ी मेहरबानी जनाब, दो डॉक्टरों में वकील बैठा हुआ है। चले कोई बात नहीं, तो जी खान साहब माशाल्लाह बिजनेसमैन आदमी है, जनाब बिजनेसमैन आदमी है, मेहरबानी तुसी सानू बुलाया है, सानू याद रखे। कोई ऐसी बात आप बताना चाहें सर, दोस्ती से मुतल्लिक कुछ कहना चाहें आप? दोस्ती की बेमिसाल, दोस्ती बेमिसाल, बड़ी बड़ी बात कर गए जनाब आप, बहुत मेहरबानी। आप सबको आप बात करना चाहिए दोस्ती से रिलेटेड? दोस्ती से रिलेटेड तो नहीं, वैसे एक जो असल बात जो मुझे लगती है कि जो होनी चाहिए कि
किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना बड़ी बात होती है, और मेन वजह यह है कि उसकी वजह आप हूँ, आपकी वजह से। क्या बात है जी, बहुत बड़ी बात कर दी भाई आपने। हसीब भाई आशिक बंदे हैं आप भी, आशिक मिजाज आदमी है, कोई अच्छी बात कोई लोगों के लिए। सर अच्छी बात हम खुद नहीं अच्छे, लोगों को क्या अच्छी बात करेंगे, खुश रहें खुश रखें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आशम साहब आप प्लीज कोई बात करना चाहें बच्चों गांव के अलावा। पहले तो मेरा सॉरी मोहसिन भाई आप कोई बात करना चाहें भाई। भाई आपका बहुत शुक्रिया आपने तार के लिए बुलाया, बड़ी मेहरबानी आपका, बहुत अच्छा लगा भाई जान जी। मेहरबानी तो कोई व्यूअर्स के नाम पे काम कर रहा हूं। अच्छा नाम भाई भाई मालूम, हम इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको लाइक करें और फॉलो करें, बहुत अच्छे भाई हैं ये हमारे। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह पाक कामयाब करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो जी मेरे प्यारे भाई एहसान गुजर साहब जरा प्लीज फेस इधर करें, भैंसों के अलावा कोई बात करेंगे, प्यारी सी बात करेंगे, हमारी बात करेंगे, इसके अलावा भी कोई बात करेंगे। इसके अलावा कोई बात नहीं। अच्छा जी आप हमसे इतना प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं। ये है दोस्त ब्रैन मतलब इसमें कहते हैं प्यार मतलब। तो जी शर्जील मेहर साहब आ गए प्यार के नाम से। मेहर साहब आप हमारे जिगरी आदमी हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, तो कोई दोस्तों के नाम पैगाम देना चाहें। जी इश्क की आग क्या बात है जी, अंधेर है क्या बात, मुसलमान ही राह का ढेर है क्या, क्या बात है। आज के ज़माने की बात कर गए, बहुत बड़ी शर्जील मेहर साहब बहुत शुक्रिया। गुजर जी बड़ी मेहरबानी जनाब, मोहतरम आने वास्ते मोहसिन भाई थोड़ी भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो मुझे बहुत मज़ा आज अपने दोस्तों के साथ घर में इफ्तारी करके, इस तरह के मोमेंट्स हर बंदे को क्रिएट करनी चाहिए, मुझे ये यादगार रहेंगी ताज़ ज़िंदगी। बड़ा अच्छा लगा मुझे मेरे दोस्तों के साथ, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग के अंदर, अल्लाह हाफिज़।